ने सुशांत सिंह राजपूत केस में सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने में सबसे ज्यादा हाथ कंगना रनौत का था। हाल ही में संजय राउत के साथ बहुत ही तीखी बहस चल रही थी। कुछ दिन पहले बीएमसी ने कंगना रनौत का ऑफिस तोड़ दिया था, इसलिए कंगना रनौत ने पलटवार करके उद्धव ठाकरे को निशाना साधते हुए कहा था कि आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। कंगना रनौत का जन्म 23 मार्च 1987 को हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव भामला में हुआ था। कंगना ने अपनी स्कूली पढ़ाई वहीं से कंप्लीट की थी। सिर्फ 16 साल की उम्र में ही कंगना अपना करियर बनाने के लिए घर छोड़ के दिल्ली आ गई थी। थिएटर डायरेक्टर अरविंद कौर के अंडर उसने ट्रेनिंग कंप्लीट की और 2006 में गैंगस्टर मूवी से अपना फर्स्ट डेब्यूट किया फिल्म इंडस्ट्री के अंदर। इस फिल्म से उसको फिल्म फेयर अवार्ड फॉर द बेस्ट फीमेल डेब्यूट भी मिला। उसके बाद में एक से एक फिल्में दी, जैसे कि वाओ लांबे, लाइफ इन अ मेट्रो, फैशन, राज, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, तनु वेट्स मन्नू, नकरीश 3 जो कि हाइस्ट ग्रोसिंग इंडियन फिल्म्स भी थी, क्यून, उसके बाद में तनु वेट्स मन्नू रिटर्न और हाल ही में मनी करने का द क्वीन ऑफ ए झांसी जैसी अच्छी अच्छी फिल्में दी। ना कंगना रनौत तो 3 बार नेशनल फिल्म अवार्ड जीत चुकी है और 4 बार फिल्म फेयर अवार्ड भी जीत चुकी है। 6 टाइम उसको फोर्ब्स इंडिया की 100 सेलिब्रिटीज में भी शामिल किया गया था। हाल ही में 2020 में उसको पद्मश्री अवार्ड भी मिला, जो कि हमारे देश का सबसे चौथा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलती रहें।